जी हाँ साथी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, यदि आप CHSL की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके सामने हम मैथ से बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल लेकर के आए हैं। आइए पहला सवाल, ये जो सवाल है मेरे भाई आपका प्रीवियस ईयर से है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है। दिया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाहरी रूप से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, यदि एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। दोस्तों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यार भरा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखिए, तो क्या है, दो गो वृत्त है, तो एक वृत्त ये हो गया आपके सामने और एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, ये इसमें सटा हुआ है, ठीक है, दो गो वृत्त हो गया। दिया है कि ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र हो गया सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एक मान लिया केंद्र यहाँ पर O और यहाँ पर मान लिया P, O और P के बीच की दूरी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। इसमें से बोला है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी यदि 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है कि ये यहां से यहां की दूरी क्या होगा, तो बस कुछ तो नहीं करना है जी, इसमें क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक टोटल दूरी दिया है ना, और ये जो है ना, मतलब एक त्रिज्या की जो दूरी दिया है 8, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6 सेंटीमीटर। सोचिए, सवाल दे इतना बड़ा दिया और इसका जवाब क्या है, कुछ नहीं, जो यानी कि यहां से यहां तक टोटल दूरी में से एक त्रिज्या की दूरी को माइनस करेंगे तो एक त्रिज्या की दूरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 40 व्यक्ति है प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम कर रहे हैं और किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो दिया है कि 30 व्यक्ति उसी कार्य को अगर 10 दिनों में करते हैं, तो दिया है कि प्रतिदिन कितना घंटा उनका समय लगेगा, यानी कि आपसे समय पूछा है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि M1 D1 W1 इक्वल होता है M2 D2 W2, ठीक है, M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। M1 यानी कि यहाँ पे क्या रख देंगे, 40, D1 यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, 6, और फिर W1 क्या आ जाएगा, घंटा, यानी कि 10, इक्वल यहाँ पे M2 के जगह पे रखेंगे 30, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका D2 में कितने दिए हैं, 10 दिन दिया है, और फिर आ जाएगा आपका WT, आपसे क्या पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे, यानी कि वर्क पूछा है। या आप देखिए यहाँ से, ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, 0 से ये 0 गया और 3 से इसको कटा दिया, कैबे में, दूबे में, यानी कि 4 × 2 = 8, क्या मिला, W2, यही तो आपसे पूछा था। तो देखिए, तो किस ऑप्शन में है, 8, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, तो ये है आपके सामने अगला सवाल। दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, कितना, 1324 रुपया। तो पूछा है कि राशि ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात कि 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, इसमें से अगर एक इसमें जोड़ लेंगे तो आपके सामने एक चीज मिलेगा, और वो चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल और इसमें एक जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, 11, जो कि आपका आ जाएगा अमाउंट। ध्यान रहे, रेशियो में कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है, तो ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया जी, 11 पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष पे आएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और इसका हो जाएगा कितना, 121, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष पे जाएंगे तो फिर इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर देखा तो कितना मिला, 331 मिला। ये क्या मिला,
ये है आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ये है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये जो मिला 331 ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ओरिजिनल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 1324 दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 331 है तो ओरिजिनल में कितना दिया है जी? 1324 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? राशि ज्ञात करें। तो राशि आपका ये हुआ तीन वर्ष का कितना? 1000। तो 1000 का क्या हो जाएगा? तो 1324 बटे में 331 गुना में 1000। बस इसको कटाइए, आंसर पाइए। देखिए ये कट जाएगा, कै बे में कटेगा? चार बे में कटेगा। चार से इसमें गुना किया तो कितना मिल गया? 4000। और यही 4000 आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये जो सवाल है आपका त्रिकोणमिति से है, दिया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो sec थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों ये जो भी हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके 2021-2022 में ये पूछा हुआ सवाल है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर हम कुछ लॉजिक सोचेंगे, और लॉजिक क्या होना चाहिए कि आखिर थीटा का वैल्यू यहां पर क्या रखें कि हमको जीरो मिले। लेकिन ध्यान यह भी देना है कि हमको जीरो डिग्री और 90 डिग्री नहीं रखना है, यानी कि बीच में होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 30 डिग्री रख सकते हैं, या 45 डिग्री रख सकते हैं, या 60 डिग्री रख सकते हैं। इसी तीनों में से किसी को यहां पर क्या रखेंगे। चलिए हम यहां पे उठाते हैं 60 डिग्री को। 60 डिग्री को जैसे यहां पे रखा तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। इसका स्क्वायर हुआ तो क्या मिल गया? 1/4। माइनस साइन 60 डिग्री रूट 3/2, जब इसका हमने स्क्वायर किया तो क्या मिला? 3/4, क्योंकि रूट 3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस यहां पे क्या है? 3 × 1/2 + 2। ठीक है, अब देखिए इस सब का एलसीएम निकाला तो क्या मिला? यहां से मिला 4। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 − 3। अच्छा ये देखिए, 2 × 4 = 2, तो 3 × 2 = 6, −6 और प्लस, ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 9, माइनस माइनस में है और ये 8 × 1 = 9, यानी कि 9 × 9/4, यानी 0/4। तो क्या मिल गया? 0। यानी क्लियर हो गया कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे, और जैसे ही 60 रखा तो हमको क्या मिला? 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिला तो ये तो बात क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, तो sec 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2, जस्ट इसका उल्टा होता है sec, तो क्या हो जाएगा? 2, और माइनस फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 × 4 में से 1 गया तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, ये सवाल है कि डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन जो है वह है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कर रहा है। चलिए यहां पर क्या है? सचिन है, ठीक है, और यहां पर क्या है? डिंपल है। इसका जो चाल दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और इसका चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? अंतर, अंतर बोले तो माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको क्या दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। चलिए तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे? 18 है ना, इसमें गुना करेंगे 5/18, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट हमने क्यों किया, तो देखिए क्या होता है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो यहां पर 5/18 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होता है तो यहां पर 18/5 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो इस तरह से 18 से 18 गए, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।